और बात तो वो होती है कि जो प्रोजेक्ट चल जाए और जिसकी तारीफ अपने ना करें बल्कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट साहब वुडवर्फस हर साल नेशनल उनकी जो वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती थी मेरा नाम लेके कहता था मैं बाकी सूबों को कह रहा हूं चाइना के छोटे सूबों को और हिंदुस्तान के सूबों को कि उनको फॉलो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनाए हुए वो तमाम चीजें चल रही हैं और फिर पाकिस्तान का क्याम एक नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर अमल आया था जिसके असूल के लिए बड़े सगीर के मुसलमानों ने जानों का नजराना पेश किया था, बेशुमार कुर्बानियां हैं उनकी इस्लाम को पाकिस्तान में लाने के लिए। और फिर आपके कायद, मेरे कायद, हम सब के कायद जनाब कायद आजम ने जो विजन दिया था उसको इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाते हुए जो रियासत मदीना की बुनियाद रखी, इंशाल्लाह उन्हीं बुनियादों पर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रहनुमा असूलों को आगे लेकर चल रहा हूं। और मैं यहां ये भी ऐलान कर रहा हूं कि उस विजन की अमली मिसाल ये है कि सूद की लानत को खत्म करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक ऐसा कानून कि जो सूद में जो प्रॉफिट बनाएगा, जो सूद का काम करेगा उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। क्योंकि कुरान शरीफ में ये बात आया है और अल्लाह ताला ने फरमा दी है कुरान शरीफ के अंदर, आप पढ़े, साफ लिखा हुआ है जो सूद का कारोबार करेगा, जो इससे फायदा उठाएगा, जब कियामत के रोज आप उनको दूर से पहचान लेंगे उनके मुंह काले होंगे, काले मुंहों से उठेंगे जो सूद का कारोबार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस लानत को हम खत्म करके रहेंगे।